दोस्तों, तो मैं वापस आ चुका हूँ अपनी नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम रील को वायरल करवा सकते हो और किस तरह से ज़्यादा व्यू पा सकते हो अपनी इंस्टाग्राम रील पे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी इंस्टाग्राम रील को किस तरह से एडिट कर सकते हो, तो जाके उस वाली वीडियो को भी देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और रील वायरल करवाने के 4 स्टेप्स हैं, सभी को फॉलो करो तभी आपकी रील वायरल होगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आप किस तरह से ज़्यादा कमेंट पा सकते हो अपनी वीडियो पे। उसके लिए आपको करना क्या है, जिस तरह से मैंने लिखा है ऊपर, टाइप यस इफ़ यू आर एग्री, एडिट करते टाइम पे आप भी ऐसा ही कुछ लिखें जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जाएं आपकी वीडियो पे। आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रू और नॉट, आप लिख सकते हो मेंशन संबंध, जैसा भी आपका मन हो वो वहाँ पे लिखो, जिससे कि लोग आपकी कमेंट करके जाएं आपके वीडियो पे। इससे होगा क्या, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को लगेगा इस बंदे के कंटेंट में दम है, इसीलिए सभी लोग इस पे कमेंट करके जा रहे हैं। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप इस ट्रिक को ज़रूर ही यूज़ करें अपनी वीडियो में, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सकें। तो चलिए चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। हमारा सेकंड जो स्टेप है वो है हाउ टू यूज़ हैशटैग्स फॉर योर वीडियो। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले डायरेक्ट आपको लिखने नहीं है हैशटैग्स, आप क्या ऊपर से ही लिखना शुरू कर देते हो, इस गलती को ना ही करो तो ही अच्छा है। तो आपको मैं बता दूँ, आपको कुछ इस तरह से लिखना है शुरुआत में, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, मेंशन संबंध या फिर मतलब जो आपकी वीडियो का टाइटल होगा वो आपको लिखना है। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ एग्री और नॉट, और कुछ इमोजीज लगा देता हूँ यहाँ पे, आपको भी लगाने हैं। तो फिर यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लगा के नीचे 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 आके आपको नीचे से हैशटैग्स लिखना स्टार्ट करना है। आपको मैं बता दूँ, आप एक बार में 50 से ज़्यादा हैशटैग्स का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप कम से कम 50 का यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप कम से कम 50 तो पूरे कर ही लेना हैशटैग्स का यूज़। और अगर आपको हैशटैग्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए हैशटैग्स के ऊपर एक परमानेंट वीडियो डाल दूँगा कि आप किस तरह के और कहाँ से हैशटैग्स यूज़ कर सकते हो। तो आपको बता दूँ, आपको इस तरह से हैशटैग्स का यूज़ करना है, जिस तरह की आपकी वीडियो है आपको उसी तरह के हैशटैग्स का यूज़ करना है। मेरी जो वीडियो है वो मोटिवेशन टाइप है, तो मैं उस पर मोटिवेशन और ह्यूमैनिटी इस तरह से कुछ डालूँगा जिससे कि वो बिल्कुल और बिल्कुल फिक्स व्यूअर्स तक पहुँच सके। अगर आप सपोज़ कीजिए आपकी वीडियो है मोटिवेशन के ऊपर, आपने हैशटैग्स यूज़ किए हैं ब्रोकन हार्ट वाले, सैड वाले, तो वो गलत ऑडियंस पे जाएगी। अगर गलत ऑडियंस पे जाएगी तो वो उस वीडियो को देखेंगे नहीं, और वो अगर इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को लगेगा कि इसके कंटेंट में कोई दम नहीं है, इसीलिए वो आपकी वीडियो को आगे रिकमेंडेड नहीं करेंगे। और आगे अगर रिकमेंडेड ही नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो वायरल होगी ही कैसे। तो इसीलिए जिस तरह का आपका टॉपिक है, जिस तरह की आपकी वीडियो, आपको उसी के ऊपर और उसी के हिसाब से आपको हैशटैग्स का यूज़ करना है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पहले देख लेना है कि किस तरह का आपका कंटेंट है और किस तरह के आपको हैशटैग्स की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप पहले हैशटैग्स का यूज़ कर लीजिए। और हाँ, आपको मैं बता दूँ, हैशटैग्स का यूज़ करते टाइम पे ये ध्यान रखना है कि कुछ हैशटैग्स तो हमको बड़े वाले करने हैं, मतलब जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हों, और कुछ हैशटैग्स हमको ऐसे यूज़ करने हैं जिस पे कम से कम हो, जिससे कि हमारी वीडियो जो है वो रैंक मार जाएगी। बस इतना करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको इस तरह से लिखते जाना कमेंट, आप कम से कम 50 तो लिख ही सकते हो, आपको 50 तक हैशटैग्स का यूज़ करना है। इस तरह से आपको हैशटैग्स का यूज़ कर लेना है। और अब चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है अपनी वीडियो के लिए अच्छा सा कवर कैसे सेलेक्ट करें। आप चाहे तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो के अंदर से भी कवर सेलेक्ट कर सकते हो, और चाहे तो आप अपने
गैलरी से भी इंपोर्ट कर सकते हो कवर को। और अब चलते हैं पीपलों को टैग करने के लिए। अब हम करते हैं लोगों को टैग अपनी वीडियो में। तो मैं रेंडमली कुछ भी टाइप करूँगा यहाँ पर और जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट दिख जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, उनको हमको टैग करना है। तो मैं रेंडमली पिक कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने दोस्तों को टैग कर लेना, कम से कम 20 लोगों को आप इसमें टैग कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप पूरे के पूरे 20 को टैग ज़रूर करना अपनी वीडियो में, जिससे वो आपकी वीडियो को देखें और आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ जाएं। लोगों को टैग करने के बाद में आपको अपनी वीडियो डायरेक्ट से पोस्ट नहीं करनी है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो पोस्ट करनी है, जब तक के लिए आपको अपनी वीडियो शेयर के बजाय सेव एज ड्राफ्ट कर देनी है। अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो है अपनी वीडियो के लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट करना जिस पर हमको वीडियो पोस्ट करनी है। इसके लिए प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं, इनसाइट्स में जाएं, वहां पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको योर ऑडियंस पे जाना है और इसमें आपके ऑडियंस के बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए एज बताएगा इसमें आपकी ऑडियंस की एज कितनी है और प्लेस कहाँ से ज़्यादा ऑडियंस है आपके, उनका जेंडर क्या है, रेशियो वगैरह। और ये देखिए नीचे आपको टाइम मिल जाएगा कौन से टाइम पे आपको पोस्ट करनी है। हमारा 6 PM का टाइम बता रहा है ये, जिस टाइम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं ऑनलाइन रहते हैं। आपके फॉलोअर्स भी शायद से 6 PM की टाइम पे ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे, लेकिन एक बार चेक ज़रूर कर लेना और उसी टाइम पे अपनी वीडियो को पोस्ट करना। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो।